थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड एंड फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड शेयरिंग एंड कॉमेंटिंग ऑन देम. आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड टुडे आई एम हियर टू शेयर एन अपडेट विद यू ऑल. सो या आई हैव मूव्ड टू आयरलैंड डबलिन एंड या सो नो मोर इन इंडिया एंड आई हैव मूव्ड हियर रिसेंटली. तो आई वॉज बिजी विद अ लॉट ऑफ मूविंग प्रोसेस, शिफ्टिंग, सेटलिंग. मेरी तरह और भी बहुत लोगों के पहले इंटरनेशनल ट्रिप्स होते होंगे एंड आई फील डिफिकल्ट सॉरी बिकॉज इट गोज थ्रू इमिग्रेशन प्रोसेस एंड ऑल द डूज एंड डोंट्स से होती हैं चीज़ें. तो ये सफ़र शुरू होता है. सारी पैकिंग कंप्लीट करके अपने सारे बैग्स वगैरह चेक करके मैं घर से निकल गई और मुंबई का इतना ट्रैफिक था उस दिन बिकॉज़ वो गणपति वाला टाइम चल रहा था तो बहुत ट्रैफिक था. मुझे ऑलमोस्ट जो 30 मिनट्स की जर्नी है उसे कंप्लीट करने में 2.5 आवर्स लगे. मैं फाइनली पहुंचने वाली थी बट लकीली मेरी फ्लाइट सेक्शन में दिख जाता है वेट काउंट करने के लिए. तो उस पी सेक्शन के वहाँ पे हम लोगों ने वेट चेक कर लिया अपने लगेज का क्योंकि ऑलमोस्ट हो रहा है मैच, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. हम अभी चेक कर लेंगे काउंटर पे कि कितना अलाउ करेंगे वो लोग. हमने इसके एक्स्ट्रा बैग्स कैरी भी किए हैं जगह शिफ्ट करना होगा. तो सब फाउंड इजिप्ट एयर काउंटर जो था डी काउंटर डी पे हम लोग आ गए और अब यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं फॉर आवर टर्न. आई थिंक यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह लगा रहे हैं लोग तो आई विल चेक कि क्या है ये. लगाना है विद अवर नेम, फोन नंबर, डेस्टिनेशन एंड फ्लाइट नेम सो दैट इन केस ऑफ यू नो इट गेट्स लॉस्ट और समथिंग वी दे हैव दिस. सो आई गॉट माय बोर्डिंग पास फॉर बोथ ऑफ माय फ्लाइट्स व्हिच इज मुंबई कायरो एंड कायरो डबलिन. और उसके बाद उन्होंने मुझे बैग्स के लिए थोड़ा अलाउ नहीं किया. एक बड़ा वाला एक उन्होंने मेरा केबिन बैग एक्चुअली चेक इन में डालने के लिए कहा था बिकॉज उनकी फ्लाइट नैरो है. तो मैंने उनसे पूछा है कि मैं अपने लैपटॉप बैग को चेक इन का जो जो केबिन बैग मेरा है उसमें शिफ्ट कर दूंगी तो दे सेड ओके. सो बेसिकली वो लोग सिर्फ दो ही बैग अलाउ करेंगे, एक ही बैग अलाउ करेंगे केबिन में, मतलब एक केबिन बैग. उसके अलावा यू कैन गेट योर कैमरा बैग या फिर कोई छोटा ट्रैवल पाउच है तो वो, बट लैपटॉप बैग एंड केबिन बैग अलाउ नहीं किया मुझे. तो उन्होंने कहा कि लैपटॉप बैग को पुट इट इन केबिन बैग. बट ये स्पेशली फॉर दिस फ्लाइट हुआ है क्योंकि ये इनकी जो फ्लाइट है वो नैरो समथिंग है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है. बट आई थिंक अदरवाइज वो लोग अलाउ करते होंगे. चेक हो गया है मेरा और उसके बाद अब मैं जाने वाली हूँ KFC. वहाँ पे मुझे कुछ खाना है और उसके बाद प्रोबेबली आई विल कम बैक टू गुड फ्री टू बाय सम थिंग्स. यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं, आई विल शो यू. तो मेरे पीछे जो है ये है गुड़ी सेक्शन. ये ड्यूटी फ्री सेक्शन है जो राइट आफ्टर इमिग्रेशन दिख जाता है. यहाँ से वी कैन बाय एनीथिंग और ये वेट कंसिडर नहीं होता है हमारे जर्नी में, इसलिए आई थिंक यहाँ से स्नैक्स वगैरह लेना इज़ एडवाइजेबल या और कुछ चीज़ चाहिए तो वो भी. बट द ओनली थिंग इज़ यू नीड टू कैरी इट विथ यू थ्रू आउट एंड उसे बैग के अंदर हम नहीं डाल पाएंगे एंड इट हैज़ टू बी पैक्ड ऑल द टाइम. ओपन करके या ऐसा सब नहीं कर सकते हम. बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कलेक्ट थिंग्स फ्रॉम हियर बिकॉज अब डबलिन जाओगे तो रेट्स बढ़ जाएंगे. It will be in euros, so this will be economic option.
बोर्डिंग हो गई शुरू और हम चले गए अपनी सीट्स ढूंढकर बैठने वहाँ पर. द फ्लाइट लुक्ड गुड. बहुत ज़्यादा लेग स्पेस नहीं है बट इट हैड स्क्रीन. दे प्रोवाइडेड ईयरफोन ऑल्सो, तो वो ईयरफोन कनेक्ट करके वी कैन वॉच एनी थिंग बट स्पेसिफिक वीडियोज ही हैं. एंड आई ऑल्सो सॉ कि उसमें वाईफाई भी था. आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट, सो नॉट श्योर इफ इट वॉज ओनली फॉर बिजनेस क्लास. बट या दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन चेक इफ यू आर लुकिंग फॉर वाईफाई इन द फ्लाइट. अदरवाइज यू कैन हैव ऑफलाइन कंटेंट टू वॉच इन द 6-7 आवर्स ऑफ जर्नी. मेरी फ्लाइट 3 AM की थी बट वो डिले होकर 4 o'clock हो गई थी. एंड जैसे हमने बुकिंग कर ली उसके बाद अराउंड 5 o'clock वी गॉट दिस फूड. फाइनली अपने मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं. और लैंडिंग के बाद की मेरे पास एक्चुअली स्टोरी है बिकॉज मेरा एक बैग मिसिंग था और मुझे उसके लिए रिपोर्ट करना पड़ा एयरपोर्ट पे. वो भी मुझे कुछ स्टाफ को मैंने पूछा और उसके बाद आई वेंट टू सम प्लेस स्विस सम प्लेस. वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना था अपने बैग के लिए, अपना एड्रेस देना था डब्लिन का सो दैट दे कैन डिलीवर इट टू योर प्लेस. मेरा इमिग्रेशन चेक हुआ, उसमें मुझे पूछा था अबाउट वाई आई वॉन्ट टू स्टडी इन डब्लिन और मेरे कोर्स के बारे में. एंड देन मेरा कस्टम चेक में भी बैग चेक हुआ था, तो कस्टम चेक भी है. अगेन यस, तो मेरी जर्नी हो चुकी है कंप्लीट और आई हैव रियली अ स्टोरी बिकॉज मेरा एक बैग मिसिंग था लाइक आई सेड. और मेरा इमिग्रेशन चेक में मुझे क्वेश्चन पूछे थे. इमिग्रेशन चेक के बाद जब मैं बाहर आ रही थी तो कस्टम चेक के वहाँ पर भी मोस्ट ऑफ जो लोग हैं उनको अलाउ कर दिया था आगे जाने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ पर भी बिकॉज आई वॉज ऑन फोन आई वॉज नॉट अटेंटिव. मैं एक्चुअली अपने जो डेस्टिनेशन है उसका कोऑर्डिनेशन में लग गई थी, तो उन्होंने मुझे रुकाया कि और कहा कि बैग यहाँ पे रखो एंड इट वेंट थ्रू अ स्कैनिंग मशीन. वन मोर थिंग, एट द कायरो एयरपोर्ट हमें स्कैनिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ी, लाइक वी हैड टू रिमूव शूज़ एंड ऑल. और अपने बैग्स तो हमने नॉर्मली जैसे स्कैन करते वैसे किया था. इट वॉज़ अ वेरी स्मॉल एयरपोर्ट, तो हाँ थोड़ा सा ये सब चेकिंग हुई वहाँ पे. एंड 2 hours का लेओवर था. आई गॉट वाईफाई ऑल्सो कायरो पे. मेरे फ्रेंड्स का वाईफाई नहीं कनेक्ट हुआ बट मेरा हो गया था, आई डोंट नो वाई. मेरा एयरटेल पोस्टपेड है तो आई डोंट नो इफ उसकी वजह से आई गॉट द नेटवर्क या क्या, बट दैट्स द केस. एंड देन डब्लिन एयरपोर्ट पर अगेन आई गॉट वाईफाई, तो मेरे दोनों टाइम पे आई वॉज एबल टू कनेक्ट विद माई फैमिली एंड इन्फॉर्म देम कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ. एयरपोर्ट पहुँच के एयरपोर्ट से बाहर निकल के यू कैन गेट अ बस टू योर प्लेस और यू कैन टेक अ टैक्सी, बट टैक्सी इज़ मोर कम्फर्टेबल. आप इमिडिएटली देयर इज़ अ ऐप फ्री नाउ जिसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उधर से आप टैक्सी बुक कर सकते हो या फिर एयरपोर्ट से बाहर आके भी यू कैन जस्ट आस्क टैक्सी वाले पीपल. डू इट विद द ऐप सो दैट यू हैव अ ट्रैक ऑफ इट एंड इट्स मोर सेफ एंड मोर रिलायबल. एंड द टैक्सी वाला पर्सन कैन हेल्प यू रीच योर लोकेशन ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे स्ट्रीट्स होते हैं, फिर स्ट्रीट्स में हाउसेज होते हैं, हाउस के नंबर होते हैं, तो वी डोंट अंडरस्टैंड आके कि कहाँ जाना है. तो टैक्सी वाले पीपल विल नो, तो वो लोग हेल्प कर देंगे टू यू नो फाइंड योर हाउस ऑल्सो एंड थोड़ा सा मे बी लगेज के साथ टू पिक टू लोड एंड अनलोड. यूजली हम जब अकेले आते हैं वी हैव लॉट ऑफ लगेज और हमें उसे कैरी करना इज़ इनकन्वीनियंट, तो दैट वे ऑल्सो वो हेल्पफुल हो सकता है. तो या ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अच्छा था बिकॉज द फूड आई गॉट वॉज गुड. सम पीपल हैड इशूज विद इजिप्ट एयर, दे सेड दैट दे डिड नॉट गेट गुड फूड, दे गॉट फिश और समथिंग विच दे डिड नॉट लाइक. फॉर मी आई गॉट वेजिटेरियन फूड वेन आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू डब्लिन. And Cairo to Dublin वाली flight में I got chicken and cheese कुछ I got, उसमें मुझे beef भी मिला था which I refused to take, तो they made the change for me. So overall it was a good journey for me. it was enough, the food was enough, the food was more than what you know
वॉज रिक्वायर्ड एक्चुअली. तो आई हैव नो कम्प्लेन्ट्स. आई हैव जस्ट वन सजेशन फॉर पीपल हु विल बी यू नो बुकिंग एंड ट्रैवलिंग इन सिमिलर फ्लाइट्स की विंडो सीट अवॉइड करो. मैंने दोनों टाइम विंडो ली थी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई गेट टू सी द व्यू. वो मुझे व्यू देखने तो मिला. आई गॉट टू सी इजिप्ट थोड़ा एंड दैट वॉज नाइस पार्ट. बट थोड़ा सा बिकॉज इट्स अ 6 आवर फ्लाइट इट गेट्स वेरी बोरिंग टू सिट एट वन प्लेस एंड बार बार बाहर जाने के लिए यू नीड टू यू नो डिस्टर्ब योर को पैसेंजर्स. तो इफ़ यू गेट एन आयल इट्स ईजी. यू कैन गेट अप, यू कैन वॉक अराउंड थोड़ा सा, यू कैन गो टू वॉशरूम वगैरह वगैरह. तो दैट वे आई फाउंड की एटलीस्ट मे बी आई शुड हैव टेकन आयल सीट. बट बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल जर्नी एंड इजिप्ट था ऑन द वे तो आई वॉन्टेड टू सी दैट. लेकिन आई मे बी नेक्स्ट टाइम आई टेक द आयल सीट एंड मे बी दैट्स वाई गॉट विंडो ऑल्सो. कि सबने आयल वगैरह ले लिया होगा. विंडो पीपल मस्ट हैव नॉट प्रेफर्ड टेकिंग विंडो. एंड वन मोर थिंग, इवन इन द फ्लाइट वो जो विंडो शील्ड होता है वो बंद करने बोलते हैं. तो अगेन कोई पॉइंट ही नहीं है विंडो सीट लेने का. सो इन दैट केस ऑल्सो इट्स बेटर टू टेक द आयल. तो या यू कैन डिसाइड मे बी एक बट या. एंड वन मोर थिंग आई डिड वॉज आई कोऑर्डिनेटेड विद पीपल एंड आई हैड कंपनी. तो मेरा जो वक्त है वो थोड़ा बेटर बीता. आई वॉज मोर रिलैक्सड. I did not have to worry a lot or I got company also in the flight to talk to. So yeah, if possible, आप लोग जब आ रहे हैं तो try to coordinate with people because सब लोग travel कर रहे होते हैं. If you guys coordinate, you can just try to take the same flight because Mumbai से बहुत लोग travel करते हैं, Pune से भी करते हैं. तो like बहुत जो भी major cities हैं वहाँ से लोग travel करते ही हैं. It's easy to find a company. So try to do that. Even if you don't get it, it's fine. Alone भी it's not very difficult. इट्स द सेम थिंग. यू विल फाइंड पीपल इन द फ्लाइट. इन फैक्ट यस. तो हमें भी फ्लाइट में हमें सेम कॉलेज के लोग दिखे थे. तो यू कैन जस्ट यू नो टॉक टू पीपल. कोई आपको स्टूडेंट जैसा लग रहा है जस्ट टॉक टू देम कि यू गोइंग टू डबलिन या जस्ट कैच अप विद देम. तो दैट वे ऑल्सो यू कैन गेट सम कंपनी एंड द जर्नी कैन बी यू नो लेस बोरिंग. बट इफ यू लाइक टू ट्रैवल अलोन इट्स एन एन्जॉयबल वन. तो या दैट्स इट. That's it about my journey from Dublin to Egypt. Sorry. Mumbai to Dublin. And I hope ki isme ye jo information hai ye useful rahi hogi. And let me know in the comments if you have any question about the flight and about my journey. I will be happy to answer. And about weight in my flight, it was 23+23+7, and they allowed laptop bag also. So overall yeah, so the condition was 23-23. Usme ek 1 kg wagera extra ho raha hai, so they were allowing. And for cabin bag they said 7 kg ka weight hai, but if you carry laptop bag along with it, to wo maximum like 2 kg around hona chahiye. Matlab 7+2=9 around, then you are safe. But if you carry 7 kg ka laptop bag, 7 kg ka cabin, then they might ask you to pay extra. तो आई डिड दैट. बट आई हैड अ कैमरा बैग ऑल्सो, तो वो काउंट नहीं किया उन्होंने. एंड मेरे पास एक ट्रैवल पाउच भी था, वो भी कंसिडर नहीं हुआ. तो आई हैड लाइक एक्चुअली 4 बैग इन केबिन. जो एक मेरा केबिन बैग था, एक मेरा लैपटॉप बैग था, एक मेरा कैमरा बैग एंड एक छोटा सा ट्रैवल पाउच. तो जो लैपटॉप और केबिन बैग है उनको मुझे एक करना पड़ा. तो बिकॉज वो दो कंसिडर हो रहे थे वरना. तो दैट आई डिड. एंड कैमरा और ट्रैवल पाउच तो मेरा कंसिडर नहीं हुआ. उसका काउंट ही उन्होंने देखा ही नहीं उसको. तो दैट वे यू कैन कैरी योर थिंग्स बिकॉज कैमरा बैग भी छोटा ही है, 1 kg 2 kg का होगा. तो इट वॉज मैनेजेबल. आप लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं. बाकी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ आई हैव मिस्ड एनी थिंग इन द वीडियो, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. आई विल बी हैप्पी टू आंसर. थैंक यू. एंड आई विल बी कमिंग, आई विल बी मेकिंग मोर व्लॉग्स ऑन माई जर्नी एंड माई यू नो लाइफ इन आयरलैंड. सो Stay tuned. Bye. Back again. So yeah, I hope you have liked my video and it was informative. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And if you have any questions, aap log pooch lijiye. I'll try to make a video if needed on that particular topic.